हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी चैनलिंग। और जिस तरह से पास्ट के 1.5-2 मंथ्स हमारे सबके गए हैं विथ लॉट्स ऑफ हैवी एनर्जी, तो वो एनर्जी अभी धीरे धीरे लाइट हो रही है। और अगर हम कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी की बात करें, तो दे आर बीइंग वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स देयर फेमिनाइज एंड होपिंग फॉर न्यू बिगनिंग्स। बट समवेयर वो चाहते हैं कि आप पहल करें। बट यहाँ पे मैं आपको कोई सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक की सिचुएशन अलग है, राइट? हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग हैं और हर एक के सेपरेशन की वजह भी अलग है। तो ये रिस्क मैं इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं लूंगी। आपको बस मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे देती हूँ, ठीक है? तो ये जो डिसीजन है वो मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि आपके सिचुएशन के अनुसार ही आपको ये डिसीजन लेना है, राइट? तो आपको इसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन में बैठना है और अपने जो एंजल्स हैं या फिर स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे आपको गाइडेंस लेना है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, जिनके मस्कुलाइन का, ईगो का या फिर फियर का इशू था, राइट? तो वो, उनका ईगो अभी शैटर हो गया है, फियर अभी ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, तो वो पहल करेंगे, ठीक है? और फिर आपको क्या करना है, बस उस एनर्जी को पावरफुली आपको कैरी ऑन करना है। बट अगर आपका ईगो इशू था, इन दैट केस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बट यहाँ अगेन, इन सम केसेस, वेरी फ्यू आई मस्ट से, अगर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो इट्स ओके, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, राइट? जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर इन द जर्नी ऑफ अनकंडीशनल लव, ठीक है? अगर वो फिलहाल रिप्लाई नहीं करना चाहते या फिर अपनी लाइफ सिचुएशन में खुश है, देन लेट देम बी, ओके? उनको बार बार मैसेज या फिर कॉल करके डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर से एक बार बता रही हूँ कि आपकी सिचुएशन के अनुसार आपको अपने एंजल से गाइडेंस लेके डिसीजन लेना है, दैट वेदर टू टेक एक्शन बाय योरसेल्फ और नॉट, ठीक है? और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अभी 2 दिन बाद हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, राइट? और ये जो 2 दिन का टाइम है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फुल मून का टाइम है। तो इन 2 दिनों में आपको अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना है, यानी जो कुछ भी बैड पास्ट मेमोरीज है आपकी, जो कुछ भी पास्ट रिलेशनशिप्स है, राइट, वूंड्स है, ट्रॉमास है, अलॉन्ग विथ योर ओन इश्यूज, लाइक फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है, जेलेसी, अटैचमेंट, एनीथिंग, ओके? तो इन सबको आपको रिलीज़ करना है इन 2 दिनों में, ठीक है? और वो किस तरह से करना है, तो मैंने इसका वीडियो पहले से ही बना के रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको इन 2 दिनों में करनी है वो ये है कि जो एनर्जी क्लियरिंग का मेडिटेशन है, राइट, वो आपको करना है। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसके साथ साथ ही 2 चैनल सॉन्ग्स हैं, तो उनकी भी लिंक आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है? और हाँ, जाते जाते और एक इम्पॉर्टेंट बात कि एनर्जी क्लियरिंग का जो मेडिटेशन है, तो वो मेडिटेशन करने के बाद अपना जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओसी एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।